नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। क्या एक पत्नी का अपने पति की रातों पर हक नहीं है? ये सवाल सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर पति की रातों का बंटवारा होने लगे तो फिर क्या कहेंगे? जी हाँ, बदलते वक्त के साथ अब पति पत्नी के रिश्ते भी बदलने लगे हैं और पति की रातों का बंटवारा होने लगा है। एक हफ्ते में 7 दिन और 7 रातें होती हैं और अब पत्नियां पति की 3.5-3 रात का हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। बात घर से निकलकर थाने और थाने से कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब दो पत्नियों ने अपने पति की रातों पर हक मांगा है। कहीं 3-3 रातों को आपस में बांटा गया है और एक रात पति की इच्छा पर छोड़ दी जा रही है कि वो कहां गुजारना चाहता है, तो कहीं पर 3.5-3 रातों का हक मांगा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि रातों के बंटवारे के ये मामले कहां कहां से आए हैं। पहला मामला तो भाई दिल्ली के लक्ष्मी नगर का है और इसमें एक ऐसा पुलिस वाला पति फंस गया है। दरअसल झारखंड की रहने वाली एक लड़की से पुलिस वाले की दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। माशुका को मालूम था कि पुलिस वाला शादीशुदा है। पुलिस वाले की पत्नी को जब इसकी भनक लगी तो घर में बवाल मच गया। घर में हर रोज के कलेश से तंग आकर पुलिस वाले ने लड़की से दूरी बनाने की कोशिश की, तो लड़की थाने पहुंच गई और उसने पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि वो इस शख्स के बिना नहीं रह सकती है और इसलिए वो हफ्ते में 3.5 रातें इसके साथ भी बिताए। दूसरा मामला सामने आया है मुरादाबाद से। यहाँ पर एक शख्स ने 2 निकाह कर लिए। पहली बीवी को जब इसकी भनक लगी तो वो कोर्ट पहुंच गई। उसने कोर्ट में शिकायत की कि उसके पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है, लिहाजा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मामला बिगड़ने लगा तो पति और दोनों पत्नियों ने मामले को बाहर ही सेटल करने का फैसला किया। पहली पत्नी को पति के 3 दिन यानी कि सोमवार से बुधवार तक मिले, जबकि दूसरी पत्नी को गुरुवार से शनिवार तक पति का साथ। रविवार का दिन पति की इच्छा पर रहे, वो जैसा भी चाहे वैसा रह सकते हैं। तीसरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। यहाँ दो पत्नियों ने अपने पति को 3-3 रातों के लिए बांट लिया है। दरअसल कोविड के दौरान पति पत्नी में लड़ाई हो गई और बीवी नाराज होकर अपने मायके चली गई और लंबे वक्त तक वापस नहीं लौटी। बीवी की जिद से परेशान होकर उस शख्स ने दूसरी शादी कर ली। जब ये बात पहली पत्नी को पता चली तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी गैर कानूनी है। लंबे समय तक कोर्ट में केस चलता रहा। पति अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जबकि पहली पत्नी भी अपने पति से अलग नहीं होना चाह रही थी। कोर्ट में कोई फैसला नहीं आ पा रहा था तो आखिरकार तीनों ने समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत पति पहले 3 दिन अपनी पहली पत्नी के साथ रहेगा, जबकि 3 दिन दूसरी के साथ। 1 दिन पति की इच्छा पर निर्भर रहेगा कि वो कहाँ रहना चाहता है। अब कानूनी नजर में इस तरह के सेटलमेंट सही है या गलत, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल इस तरह के समझौते कोर्ट की कार्यवाही से बचने के लिए किए जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना गैर कानूनी है और ऐसा होने पर सजा के प्रावधान हैं। बस इसी वजह से लोग इस तरह के समझौते कर लेते हैं और कानून कुछ नहीं कर पाता। हालांकि इस तरह के मामले सामने आने से लोग चिंता में हैं। ये एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। लोगों का मानना है कि इस तरह की बातें समाज को गंदा करती हैं। वहीं इनका कोई लीगल आधार भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम अहम और दिलचस्प खबरों के लिए आप जरूर जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।